हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। हेलो माय लवली फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर और टाइटल देख पढ़कर समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। मुंबई में KTM कंपनी की तरफ से एक रेस ऑर्गेनाइज कराई गई थी। उस रेस में पार्टिसिपेट किया था हमारे भिवंडी के राइडर ने, जिनका नाम है साजिद इंस्टेंट राइडर। तो उस रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट करके 3rd प्राइज लेकर आए थे, मतलब वहाँ सर जीत कर आए, हारे नहीं। तो उनसे आज मैं मिलने वाला हूँ, आज आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ और उनके साथ थोड़ा राइडिंग करेंगे, देखेंगे जाकर। थोड़े से इंजर्ड भी है वो, उनको थोड़ा सा घुटने में चोट लगी है, तो देखेंगे राइडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आज रेस जरूर लगाएंगे उनसे, देखते हैं कौन जीतता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर डायरेक्ट मिलते हैं वहीं, और डायरेक्ट मैं रास्ते का नहीं, डायरेक्ट वहीं जाके मिलता हूँ आप लोगों से। तो चलो चलते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ शूट वाली जगह पे, अब हमें यहीं शूट करना है। ये कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखते समझ जाओगे, ये पाइपलाइन वगैरह, तो समझ गए। तो यहाँ पे साजिद भाई को बुला लिया मैंने, और साजिद भाई अपने आ रहे हैं। साजिद भाई की एंट्री थोड़ा सा हार्ड लेंगे। बाइक एक नंबर है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं साजिद भाई अपने, ये तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा साजिद भाई अपनी पब्लिक हाय, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो अभी अपन साजिद भाई के साथ, मैंने सोचा है कि रेस लगाएंगे। क्या साजिद भाई, रेस लगाएंगे? लगाएंगे श्योर। कौन जीतेगा, तुम या मैं? एडी रेसर ये, राइडर ये, और जीतने वाला मैं, ऐसा हो नहीं सकता। बाइक देखो भाई, एकदम फाड़ू बाइक है, फाड़ू बाइक लेके आए, तो जाहिर सी बात है यही जीतने वाले। फिर भी एक बार ट्राई करते कौन जीतता है, रेस लगाते, चलो आ जाओ। तो हम लोग रेस लगाने जा रहे हैं, तो आप लोग देखो रेस में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। और हाँ, माइंड मत करना, हम लोगों ने हेलमेट इसलिए नहीं लगाया, आप लोग पूरा दूर से दूर तक देख सकते हो, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, पूरा रोड खाली रहता है। जैसा कि जो पाइपलाइन का था उसको पता ही होगा ना, ये जानवर ना इंसान कोई पैदल चलता नहीं, इसके लिए हम लोगों ने हेलमेट यूज़ नहीं किया। और मैं हेलमेट लाना भूल गया, भाई लाए, भाई का हेलमेट यहाँ रखा है, लेकिन भाई को मैंने भी जरा अप्रोच किया कि मत लगाओ हेलमेट, थोड़ी छोटी सी रेस लगाई, ज़्यादा लंबी रेस नहीं है, इसके लिए हम लोग हेलमेट नहीं लगा रहे। तो चलो चलते हैं। 3, 2, 1 देखा, मैंने बोला था ना मैं जीत जाऊँ, मैंने कोशिश की और हारा नहीं। मैं एक बात बताऊँ, साजिद भाई हारने वालों में से नहीं है, ये थोड़ा सा ये 200-250 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ये मेरे से आज कैसे हार गए मैं नहीं जानता, इस बात के अंदर यही जानते हैं कि आप मेरे से हारे क्यों आज, मुझे समझ नहीं आया। इसलिए हारा हूँ मैं, ये अपना छोटा भाई है और भाई को सपोर्ट करो। अभी एक चैनल इनका हैक हो गया था, पता नहीं किसने क्या कर दिया था, मगर भाई ने वापस स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो भाई को इसी तरह सपोर्ट करो, और भाई मैं ये जो रेस जीता हूँ इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, एकदम असलियत बोल दिया भाई, व्यूज तो मिलने ही मिलने, अपनी पब्लिक शेयर करेगी। और भाई आप लोग इनको जानते हो कि इनकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, ये एक से एक बाइक अपने इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ न्यू रहता है, और ये हमेशा कहीं ना कहीं निकले रहते, भिवंडी में बहुत कम रहते हैं, और ऐसी बाइक आपको भिवंडी में दिखाई नहीं देगी जो भाई लेके आए आज। ये बाइक आपको पूरी भिवंडी में अपने को कहीं दिखाई नहीं देगी, बाइक भाई नहीं दिखाई देगी ना, नहीं नहीं अभी नहीं आई ना, ये अभी नहीं आई, ये बाइक अपने को जल्दी दिखेगी नहीं। तो आप लोगों को लगा होगा भाई स्टंट वगैरह दिखाएंगे, कुछ विली विली मारेंगे, स्टॉकी मारेंगे, तो भाई आने वाले तो नहीं थे, फिर भी भाई ने अपने लिए टाइम निकाला। भाई थोड़े से इंजर्ड है, भाई के घुटने में चोट लगी है,
जिसकी वजह से वो बॉस थोड़ा तकलीफ में है, लेकिन फिर भी मेरे बोलने पर मैं अपना टाइम निकाल कर आया भाई मेरे लिए, और वीडियो मेरे साथ बनाए, मेरे साथ रेस भी लगा लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए, क्योंकि भाई तुमको तो मालूम है क्या स्क्रीन शॉट हुआ था अपने साथ भाई। वो स्क्रीन शॉट को देख कर भाई को थोड़ा सा दिल को तकलीफ हुई, इसके लिए भाई अपने से मिलना है, तो इसके लिए आज स्टंट नहीं आज रेस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना भाई के साथ खत्म हो गया, भाई के साथ अपन फिर से वीडियो बनाएंगे साजिद भाई के साथ, और वीडियो में आपको स्टंट भी मिलेगा, स्टॉपी भी मिलेगी, विली भी मिलेगी, अब सब मिलेगा मतलब। और ये बाइक नहीं होगी, ये बाइक की बाइक नहीं, प्रॉपर एक गाड़ी होती है पल्सर 220, अभी ये स्टॉक गाड़ी है, इस पर हम नहीं कर सकते, उसके लिए अभी 220 मंगाना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी पूरा स्टंट बनी हुई है वो गाड़ी, तो गाड़ी पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और भाई अपन तो इतना ABCD अपने को पता नहीं, भाई बहुत पहले से राइडिंग में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सब वीडियो, अवार्ड अवार्ड भी सब जीत के आए, तो भाई पहले से राइडिंग में तो इनको ज़्यादा मालूम आता है, तो इनके पास जो अपनी इनकी पर्सनल गाड़ी है ना उससे खुल के कर सकते, क्योंकि इंसान का डर एक गाड़ी पे हाथ बैठा तो उसमें डर निकल जाता है, तो सब कुछ उस पर दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम वीडियो फिर से आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो या भाई को उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, जब भी वीडियो आएगा तो भाई डाल देंगे इनके, डालोगे कि नहीं भाई स्टोरी में, पक्का डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई को फुल सपोर्ट करो। शुक्रिया भाई साजिद भाई इतना सपोर्ट करने के लिए, और पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, और एक मैसेज उसके लिए भाई, हैकर के लिए, तू अपने पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का दम लगा ले, इस चैनल को हैक करके दिखा। तो भाई चलता हूँ मैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो यार लाइक तो बनता है, ज़रूर करो लाइक, मेरे को सपोर्ट करो, नया चैनल है। तो चलता हूँ, खुदा हाफिज़, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे उस्ताद। करते जा बनने को भरते जा, दिल मेरा कहता था लड़ते जा, बढ़ते जा खुद में उभरते जा, नहीं हो रहा घर पे जा, लेकिन मैं डर के नहीं जाने वालों में से बे, सफलता मिलेगा वो दिन कब है, समझ में आता नहीं था कुछ।